दीपा जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके आज जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए कैसे सीड में बाय कर सकते हैं, और दूसरी बात अखिलेश चना जो है आज गिरता हुआ नजर आ रहा है और वो गिर सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से इम्पोर्ट को लेकर आज कल देर शाम जो है इम्पोर्ट को लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। भारत और म्यांमार के बीच समझौता हो चुका है तो अब इम्पोर्ट किया जाएगा उड़द का 2.5 लाख टन का, और वहीं 1 लाख टन उड़द का इम्पोर्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आगे जो है इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर वाला आ सकता है। उड़द 2.5 लाख टन इम्पोर्ट की जाएगी जबकि तुअर दाल 1 लाख टन इम्पोर्ट की जाएगी, तो उसका सरकार ने कुछ ब्यौरा तैयार किया है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आगे आने वाले टाइम में हम कीमतों पर देख सकते हैं। तो आज इंटरडे में शॉर्ट टर्म में प्राइसेस के ऊपर दबाव आ सकता है इस खबर के चलते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी दालें मजबूत हैं। और जहां तक चने की बात है, चना आज लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, मुझे लगता है चने के अंदर आज गिरावट हावी हो सकती है जबकि कैशियो सीड के अंदर आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।